आदाब नाजरीन, जेकी न्यूज वेव का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। एलजी की मुलाकात, लोगों को सबसे पहले सुनना वलीन तरजीह। डिप्टी कमिश्नर और एसपी इंतजामिया का चेहरा, जिम्मेदारी के साथ लोगों की खिदमत करे लेफ्टिनेंट गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया। कुचवा सड़क हादसे में एक ही कुंबे के 3 अफराद अजान। बानीहाल में नौजवान की लाश बरामद। और कश्मीर लद्दाख में ठठरती सर्दी का जोर जारी। श्रीनगर में दर्ज हरारत -2.1 दर्ज। नाजरीन अब खबरें तफसील की। गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि शिकायत का मौसर तरीके से निमटना, जवाबदेही और अवामी खर्चात के बर वक्त और किफायती तरीके से फौरी तौर हल बेहतर इंतजामिया के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। एलजी की मुलाकात के ताज़ा तरीन एडिशन के दौरान बराह रास्त अवामी शिकायत की समाअत का प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वह अवाम का एतमाद मजबूत करे। उन्होंने इनकी शिकायत को दूर करने के लिए मौके पर हिदायत भी जारी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लोग चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए और उन्हें इंतजामिया से जल्द कार्रवाई की तवक्को है। उन्होंने कहा कि एलजी से मुलाकात एक आम दोस्त प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है जो शिकायत को सुनता है और उनकी कदर करता है और शिकायत को फौरी तौर पर निपटाने को यकीनी बनाता है और मजीद बेहतरी के लिए जवाबदेही तय की जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोगों की बात सुनना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुलाकात के जरिए बातचीत की आसानी मुख्तलिफ महकमों को शहरियों पर मुबनी निज़ाम की हिमायत करने की तरगीब देती है जो बढ़ती हुई समाजी तवक्कात को पूरा करने के लिए हमवार और मरबूत अवामी खिदमात फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक अर्जी पर अपना फैसला महफूज कर लिया जिसमें जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली और लोकसभा हलकों की दोबारा तरतीब देने के लिए हदबंदी कमीशन की तश्कील के हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि कमीशन की तश्कील में आईनी दफात की खिलाफ वर्जी की गई है। जस्टिस एस के कौल और अबे एस ओका की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इलेक्शन कमीशन के वकील और दरख्वास्त गुजारों के वकील की अर्जियों पर समाअत की। दलाइल सुने गए, फैसला महफूज कर लिया गया। दो दरख्वास्त गुजारों हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हदबंदी की मशक आईन की स्कीम के खिलाफ की गई है और हदूद में रद्दोबदल और तवसी इलाकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। अर्जी में यह ऐलान तलब किया गया था कि जम्मू कश्मीर में निशस्तों की तादाद 107 से बढ़ाकर 114, पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर की 24 निशस्तों समेत करना आईनी दफात और कानूनी दफात के खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर के सड़कों पर मौत का खौनैन रक्स थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले कुटवा में बुध की शाम एक दिलखराश सड़क हादसे में मां बेटे समेत एक ही कुंबे के 3 अफराद जहां बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। जरा ने बताया कि कुटवा के बनी इलाके में बुध की शाम एक गाड़ी जिसमें एक ही कुंबे के 5 अफराद सवार थे, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर करीब 300 फीट गहरे नाले में जा गिरी जिसके नतीजे में 2 अफराद की बरसरी मौके ही मौत वाके हो गई। उन्होंने कहा कि दीगर 3 अफराद को फौरी तौर निकालकर इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनमें से एक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। मुतवफीन की शनाख्त 40 साल मोनिका गुप्ता जोचा संजय गुप्ता, 45 साल शेखर वलद रामलाल और 11 साल सिद्धार्थ गुप्ता वलद संजय गुप्ता साकिनान आरएसपुरा जम्मू के बतौर हुई है। जख्मियों की शनाख्त 18 साल बर्बात गुप्ता वलद पवन गुप्ता और 40 साल रूबी गुप्ता जोजा राजेश गुप्ता साकिनान आरएसपुरा जम्मू के तौर पर हुई है। दोनों जख्मी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुटवा में जेर इलाज है। रामबन जिले के बानिहाल इलाके में जुमेरात को एक 25 साल नौजवान की लाश पुरासरार हालत में किराए के मकान में पाई गई। जरा के मुताबिक एक अहलकार ने इत्तला दी कि बानिहाल इलाके में जुमेरात को एक 25 साल नौजवान
बानिहाल के गोंडा दलकूट इलाके में किराए के मकान में मुर्दा पाया गया। एहलकार ने बताया कि नौजवान की शनाख्त रईस अहमद जोहिदा 25 साल, वलद मोहम्मद इकबाल जोहिदा साकिनान चंचलू बानिहाल के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि रईस पेशे से ड्राइवर था। एहलकार ने कहा कि इसकी मौत की वजह जानने के लिए मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, खुशक मौसम के दरमियान वादी कश्मीर और लद्दाख में ठठरती सर्दी का जोर जारी है। इसी दौरान राजधानी श्रीनगर में इस सीजन की अब तक की दूसरी सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने बताया कि आज सुबह धुंध के दरमियान श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता रात -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा, इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट इसके लिए देखते रहे जेके न्यूज़।